अखिल भारतीय सफाई मजदूर यूनियन की ओर से प्रधान रमेश कट्टो की अध्यक्षता में रोष रैली का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को मांग पत्र दिए जाने की बात दोहराते हुए कहा है कि कई बार इन मांगों को दोहराया है, कई बार वो इन्हें टेबल टॉक के लिए कह चुके हैं, मगर कोई फैसला सरकार ने उनके पक्ष में ना करके उनके साथ अन्याय किया है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर यूनियन की यह मीटिंग हुई, उस फैसला लिया गया कि कई बार असी यूनियन के पैर उत्ते जी मुलाजमान मंगा डीसी कम कमिश्नर कई बारी यही मंगा के प्रति अवगत करा चुके हैं, पर साडा जिहड़ा डीसी कम कमिश्नर ने अज तक भी साढ़े सफाई सेवकों के नाल टेबल टॉक करना जो जरूरी नहीं समझिया, जिहदे विच साढ़े सफाई सेवकों के काफ़ी रोष पाया जा रहा, क्योंकि जी मुलाजमान जड़िया मंगा उस पूरा हिंदुस्तान ही कहता भी दलित जोड़ा वर्ग आ इन्हों जड़िया भी मुश्किल फौरी तौर पर हल की जा, पर जरा डीसी कम कमिश्नर ये सफाई सेवकों दंगा वास्ते साढ़े कमिश्नर को टाइम ही नहीं, बड़ी शर्म की गल है यह कमिश्नर वास्ते। तो मैं अज साढ़े सारे जिन्हें अखिल भारतीय सफाई मजदूर यूनियन के वार्ड सप्लाई आगू घर जिन्हें भी साढ़े इकट्ठे हुए ही अ 10 घंटे तक नोटिस दिता, जे साडे डीसी कम कमीशन ने साढ़े ना 10 घंटे टेबल टाक नहीं की तो कल ही कमिश्नर के दफ्तर का घराव करांगे, जिहदी सारी जिम्मेवारी कमिश्नर की होगी। जय। जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, डेडिकेटेड कोरोना वार्ड, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, व्हाइट मेडिकल कॉलेज बुंगल नियर डीएलएम रिसोर्ट पठानकोट। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।